हां जी, वेलकम टू बदनाम रसोई जी आयन। आज हम बनाने जा रहे हैं हक्का नूडल्स। आइए देखते हैं झटपट से इंग्रेडिएंट्स। हम लेंगे सॉसेस, नमक स्वाद अनुसार, हरी मिर्चें, आधा बड़ा टमाटर, एक बड़ा अनियन, विनेगर दो बड़े चम्मच, कैप्सिकम आधा, सोया सॉस आधा छोटा चम्मच, पनीर 100 ग्राम, अजीनोमोटो एक छोटा चम्मच, काली मिर्च एक छोटा चम्मच, रेड बेल पेपर आधा, हक्का नूडल्स 150 ग्राम, कैरेट्स एक, गार्लिक और साथ ही साथ में पत्ता गोभी। अंदर हमने लेना है थोड़ा सा ऑयल, ऑयल आप अपनी पसंद का डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल, ऑलिव ऑयल, एज पर योर विश। अब हमने उसके अंदर डाल दिए हैं गार्लिक, गार्लिक के साथ में हमने डाल दी है गाजरें, देख सकते हैं आप एकदम बारीक कटी हुई हैं गाजरें, पहले डाल दी क्योंकि गाजरें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेती हैं सौटे होने में। साथ ही साथ में हमने इसके अंदर डाल दिए थोड़े से प्याज, बारीक कटा हुआ हमें सब कुछ चाहिए है, कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ध्यान में रखना है कि आपको इसको पकाना नहीं है, आपको सिर्फ इसको सॉटे करना है बेहद आराम से, पकाने वाला झंझट नहीं रखना है, ठीक है। सिर्फ हमने इसके अंदर जो है पानी इसका किल करना है, उतने ही लेवल तक आपको हल्का सा सॉटे कर देना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हल्का सा सॉटे हो चुका है। अब हमने इसके अंदर बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल दी है, कटिंग देखिए आप बिल्कुल जैसे गाजरों की करी थी वैसे ही हमने पत्ता गोभी की करी है। कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी कटिंग से बेहतरीन हक्का नूडल्स बनती हैं, ये हमेशा याद रखिए। अब आप देख सकते हैं एकदम अच्छे से हम इसको भी हल्का हल्का मिक्स करके सॉटे कर लेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है हमारी जो कैबेज होती है उसको सॉटे करने में। साथ ही साथ में हम इसके अंदर डाल देंगे रेड बेल पेपर, रेड बेल पेपर आप डाल सकते हैं, आप ग्रीन बेल पेपर भी डालें, बाई चांस आपको रेड नहीं मिल रहा है येलो मिल रहा है येलो डाल दें, वरना अगर आप ग्रीन बेल पेपर डालना चाहें वो भी आप डाल सकते हैं। बेल पेपर मतलब होता है शिमला मिर्च, राइट। तो अब इस तरीके से आप देख सकते हैं हल्का सा हमने इसको भी सॉटे कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहे हैं हम, हार्डली 10-20 सेकेंड्स लेके सॉटे कर रहे हैं। अब हमने डाल दिया है नमक स्वाद अनुसार और हमने इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि सॉसेस डालेंगे वहाँ भी नमक होता है, विनेगर होता है वहाँ भी नमक होता है, ठीक है। अब हमने डाल दिया इसके अंदर अजीनोमोटो और अजीनोमोटो को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चाइनीज़ फ्लेवर को बहुत ज़्यादा उभार देता है अजीनोमोटो, तो आप डाल सकते हैं बेहद अच्छा लगेगा। साथ ही साथ में अब हमने इसके अंदर डाल दिए हरी शिमला मिर्च, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं रखी है, आधी आधी शिमला मिर्च डालनी है, इसको एकदम बारीक पतला काट लेना है तभी ये जल्दी से सॉटे भी हो जाती हैं, पानी किल हो जाता है, क्रिस्पी भी लगती हैं, क्रंची भी लगती हैं और साथ ही साथ में मज़ा दोगुना हो जाता है। साथ ही साथ में हमने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा नूडल्स के अंदर टमाटर, बट दिस इज़ हक्का नूडल्स तो टमाटर तो बनता है और उसके अंदर का जो आपने बीज है वो निकाल देना है, ठीक है। साथ ही साथ में हमने इसके अंदर रेड सॉस और ग्रीन चिली सॉस भी डाल दी है, ध्यान में रखना है जैसे मैं बोल रही थी नमक की क्वांटिटी को, राइट। अब हमने इसके अंदर हरी मिर्च डाल दी हैं और साथ ही साथ में हमने काली मिर्च डाल के इसको अच्छे से सॉटे कर लेना है बहुत बढ़िया तरीके से। आप देख सकते हैं बेहद बेहतरीन और कलरफुल लग रहा है जो हमारे हक्का नूडल्स हैं, उसका जो ओवरऑल ये जो टेक्सचर है बेहद ही प्यारा लग रहा है, देख सकते हैं बेहद ही बढ़िया लग रहा है और बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी जो ये पूरी सामग्री है। अब हमने इसके अंदर डाल दिए हैं बॉइल्ड नूडल्स। नूडल्स को बॉईल करने से पहले बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं, बेहद ही अच्छी आपको करीबन 80% नूडल्स बॉईल करनी होती हैं, 100% नहीं। तो नूडल्स बॉईल करते समय बेहद ध्यान दें, गरम गरम पानी में ही नूडल्स को डालें, जैसे ही पानी उबलने लगे तभी बॉईल करने के लिए डालें। बॉईल कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ज़रूर डाल दें, इससे आपकी नूडल्स कभी चिपकेंगी नहीं। तो ये तो थी एक टिप नूडल्स को बॉईल करने की। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पतली पतली नूडल्स हमारी बॉईल हुई हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी हैं, ना ये गली हैं और ना ही ये ज़्यादा सख्त हैं, एकदम बढ़िया क्वांटिटी है। नूडल्स डाल दी है, अब इसके अंदर ही हमने डाल दिया है इस तरीके से पतला कटा हुआ पनीर। अब मैं आपको बता दूं ये रेसिपी मैंने तो टेस्ट करी थी, एकदम मैं क्या बताऊं लाजवाब रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। पनीर के अंदर ये जो नूडल्स का मिक्सचर होता है ना, आनंद और मज़े ला देता है आपको, तो बेहद ही टेस्टी होती है। बहुत हल्के हाथों से आपको देख सकते हैं ना, आपको इस तरीके से हिलाना होता है। साथ ही साथ में हमने इसके अंदर सिरका विनेगर डाल दिया है, विनेगर से और भी इसमें एनहांस्ड फ्लेवर और साथ ही साथ में कलर आ जाता है। काला सिरका हमने डाला है उससे हल्का सा ब्लैकिश कलर आएगा और वाइट वाला सिरका भी डाला है उससे जो है फ्लेवर और इन्हांस होता है। हल्की सी सॉस की अगर आपको कमी लगती है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फ्लेम आपकी बिल्कुल हाई रहती है, हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से इसको सॉटे करते रहिए
और बेहद अच्छे तरीके से आपको इसको मिक्स करते रहना है और आपकी ये जो नूडल्स हैं झटपट बनके तैयार हो जाती है। देखा आपने, बिल्कुल समय नहीं लगा और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी हक्का नूडल्स बनके रेडी हैं दोस्तों। ये जितनी देखने में सुंदर लग रही है ना, उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है दोस्तों। खाने में ज़रूर बना के देखिएगा ये हक्का नूडल्स अपने घर पर। बेहद ईजी से इन्ग्रीडियंट्स है, सिंपल सी रेसिपी है दोस्तों। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बाकी की वीडियोस चेकआउट करना ना भूलें। बेहद ही अच्छी वीडियोस हमने पोस्ट की हुई हैं, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। नमस्कार।